दोस्तों आज की कहानी है जेठ जी। इज्जत घूंघट रखने से नहीं दिल से दी जाती है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पढ़ी लिखी सुमन की शादी बहुत धूमधाम से पढ़े लिखे सुमेर से कर माँ बाप खुशी से उसे ससुराल भेज दिए। नए घर में बहू रानी का स्वागत किया गया। सब रस्म रिवाज के बाद सुमन को एक कमरे में छोड़कर सब चले गए। सुमन ने सर से भारी पल्लू हटाकर थोड़ा सुस्ताने का सोच ही रही थी कि उसकी सासू माँ कमरे में आ गई। सुमन पल्लू सर पर रखने लगी तो सास ने बोला, देखो बहू सर पर से पल्लू हटना नहीं सही है। घर में बहुत लोग हैं और रिश्तेदारों से घर भरा हुआ है। पल्लू हमेशा सर पर होना सही है, नहीं तो लोग कहेंगे देखो इसकी बहू को बड़ों का इज्जत करना भी नहीं आता। सुमन ने सिर झुकाकर बोला, जी माँ जी ध्यान रखूंगी। जब तक घर में रिश्तेदार रहे सुमन ने पल्लू हटने नहीं दिया। जब सब चले गए तो उसने सोचा, उफ इतनी गर्मी में सर पर पल्लू कौन रखे। उसने पल्लू हटाकर कुछ काम करने लगी। घर में अब सास जेठ जेठानी उनके बच्चे और सुमेर सुमन ही थे। छोटे से परिवार में आकर सुमन बड़े प्रेम से रहने लगी। पर एक बात उसको हमेशा सूझती रहती, सासू माँ पल्लू के पीछे ही पड़ी रहती। मसलन, जेठ जी आ रहे तुम दूसरे कमरे में चली जाओ तो कभी यहाँ मत बैठो, जेठ जी आ रहे। जैसे ही जेठ जी आने वाले होते हिदायत देती पल्लू लो। सुमन ने सोचा, ठीक है जब तक यहाँ हूँ पल्लू रख लेती, कौन सा मुझे हमेशा यहाँ ही रहना है। पति की नौकरी दूसरे शहर में है, उधर अपने मन का करूंगी। समय के साथ सब कुछ बदल जाता पर नहीं बदला था। तो सुमन की सास का पल्लू प्रेम और जेठ जी जहाँ हो वहाँ सुमन की अनुपस्थिति। अब सुमन के बच्चे भी बड़े हो गए थे फिर भी पल्लू तो पल्लू है, हटना नहीं सही है। सुमन ने कई बार सुमेर से बोला भी, माँ को बोलो ना ये पल्लू नहीं रखने से क्या मैं जेठ जी की इज्जत नहीं करूँगी, वो आपके बड़े भाई हैं, मैं भी भैया ही मानती। इतना पर्दा क्यों करवाती है, गर्मी में हालत खराब हो जाती मेरी। पर सुमेर पके माँ के भक्त सुनकर अनसुना कर देते। उन्हीं दिनों पता चला जेठ जी की बेटी की शादी तय हो गई। लड़के वालों को सुमन जानती थी, फिर वह उसके मायके के तरफ के लोग थे। अब जो लड़की खुद को मायके में खुले विसारों में रही हो उन लोगों के सामने पल्लू में तो न जाएगी। सुमन ने सोच लिया, जो भी हो जाए माँ जी की बात न मानेगी। उसने सुमेर से संपष्ट शब्दों में कहा, देखो सुमेर मैंने आज तक माँ जी की बात मानी है। अब ये जो लोग शादी के लिए आने वाले वह खुद आधुनिक विचारों वाले, ऊपर से वह मुझे भी जान दे, मैं उन लोगों के सामने पल्लू तो ना लूँगी। सही उधर जेठ जी ही क्यों ना हो, नहीं तो मुझे नहीं जाना शादी में। सुमेर समझ गए अब सुमन एक ना सुनेगी, बस बोले ठीक है मत लेना पल्लू। शादी में जब सासू माँ ने देखा सुमन पल्लू नहीं ले रखी तो उसके पास आकर बोली, बहू जेठ जी हैं पल्लू लो। सुमन माँ को कुछ बोलती उससे पहले सुमेर आकर माँ को बोले, माँ इतने साल से सुमन पल्लू ही तो रखी है क्या भैया।
इज्जत नहीं करती। उधर देखो पड़ोस में जो सासा है उनकी सब बहू पल्लू में ही रहती, पर हमेशा झगड़ा ही करते रहते। इज्जत पल्लू रखने से नहीं माँ दिल से दी जाती, और ऊपर से इतनी गर्मी है। सुमन ये सब कुछ कर रही, वो काम करे और पल्लू संभाले। अब तुम भी थोड़ा समझो उसको, पहली बार सुमेर के मुंह से अपने हित में सुनकर उसे अच्छा लगा। सुमन मन ही मन सोचने लगी सब संभव हो जाए जो तुम अगर साथ हो। सासू माँ को भी समझ आ गया पड़ोसी सासी के घर में पल्लू में कितनी इज्जत मिलती। सस ही तो है, इज्जत सर ढक कर नहीं सर झुका कर दी जाती है। बस समझने वाले का नजरिया बदलना पड़ता है। Yeah.